के दम पर गुजरे 3 साल से अकेले घरों में चोरी चमारी करने वाला शातिर चोर रवि शर्मा उर्फ गुड्डू शर्मा धरा गया। उसके भाड़े के घर से ढेर सारे कीमती गहने, जेवरात, साउंड सिस्टम, यूपीएस, लैपटॉप, एलईडी, मॉडेम, कार रीडर, माउस, जेवर रखने के खाली डिब्बे सहित कई सामान मिले हैं। उसके पास से नगद 18,000 रुपए और ताला लॉकर तोड़ने के औजार भी मिले हैं। गिरफ्तार शातिर चोर रवि शर्मा ने कई चौंकाने वाली बातें पुलिस के सामने उगल दी। उसे खुद ठीक से पता नहीं कि उसने गुजरे 3 सालों में कितने घरों में चोरियां की हैं। रवि राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के द्वारिकापुरी मोहल्ले में एक भाड़े के मकान में रहता है। रवि के हाव भाव और उसके रहन सहन को लेकर उस पर कुछ लोगों को शक हो गया था। इस बात की गुप्त जानकारी रांची पुलिस कप्तान किशोर कौशल को मिली। उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाकर शातिर चोर रवि को धर दबोचने का टास्क दिया। गठित टीम में रवि को खोज निकाला। रांची पुलिस कप्तान किशोर कौशल ने पूरे कांड का खुलासा करते हुए बताया कि कुछ दिन पहले चुटिया के 2 घरों में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। इन दोनों घरों में चोरियां रवि शर्मा ने ही की थी। उसने कई अहम जानकारी दी है। मिली जानकारी पर पुलिस आगे का काम कर रही है। सुने क्या बोले रांची के पुलिस कप्तान किशोर कौशल। 11/2022 को लेकर के टीम बनाया गया जिसकी मॉनिटरिंग डीएसपी सिटी कर रहे थे और थाना प्रभारी चुटिया के नेतृत्व में वो टीम काम कर रही थी। और इस टीम के द्वारा साउथ रेलवे कॉलोनी से रवि शर्मा और गुड्डू शर्मा को संदिग्ध स्थिति में चोरी की स्थिति होने के आभूषण चांदी के बर्तनों के साथ पकड़ा गया। इस संदर्भ में जब उससे गहराई से पूछताछ की गई तो उसने कई पुराने मामलों में अपनी संदिग्धता को स्वीकार किया और विगत 3 वर्षों में ऐसे कई चोरी के मामलों में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। उसके घर की जब तलाशी दी गई तो उसके पास से बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में आभूषण, बर्तन एवं अन्य कीमती सामान बरामद हुए। अभी हाल ही में छठ की रात्रि में द्वारिकापुरी रोड नंबर 2 में भी एक बंद घर से चोरी हुई थी एवं लगभग 1.5 माह पूर्व कृष्णापुरी रोड नंबर 1B में भी एक चोरी की घटना खारिज की गई थी जिसमें बड़ी मात्रा में सामान जो है चोरी गया था।